और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यूपी में एक और परीक्षा पर गंभीर सवाल। पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में धांधली हुई, कोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग का हलफनामा। यूपीपीएससी ने धांधली की बात मानी है और 50 आंसर शीट में हेराफेरी हुई है। मामले में 3 अधिकारियों के सस्पेंशन को लेकर भी खबर आ रही है। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रीति, अब ये क्या नया मामला? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक को लेकर खबरें आ रही थी, उसमें यूपी पीसीएसजे जो 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये मान लिया है कि इसमें 50 अभ्यर्थियों की जो कॉपियां थी, आंसर शीट थी, उसमें हेरा फेरी की गई है और अब इस पूरे जो मामले की जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को की जाएगी। हालांकि इसमें 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये जो पूरा मामला है इसमें एक अभ्यर्थी था श्रवण पांडे, जिसका जब रिजल्ट आया तो उसको लगा कि उसने जिस तरीके से उसकी आंसर शीट आई थी उसमें इंग्लिश में उसके जो नंबर थे वो कम थे, उसको लेकर उसने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ कि 50 जो आंसर शीट थी उनमें गड़बड़ी की गई है और कुछ आंसर शीट फटी हुई भी पाई गई है और साथ ही जो हैंडराइटिंग थी, जो अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग थी वो भी चेंज थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जब जांच की गई तो हाईकोर्ट ने माना है कि 50 अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट आए हैं वो गलत तरीके से रिजल्ट आए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो अब 8 जुलाई को की जाएगी और उस सुनवाई में अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट अब 8 जुलाई को क्या फैसला देता है, ये बड़ी बात होगी। हालांकि अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन ये जो पूरा जो मामला है जिसमें 50 अभ्यर्थियों का जो अब भविष्य है वो पूरी तरीके से दांव पे लग गया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पे कोर्ट भी देख रही है और सरकार भी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। मामले की जांच पर नजर बनाए रखें और किस तरीके से लिया जा रहा है एक्शन, इस बारे में भी लेंगे आपसे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रीति आपका।